वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। न्यू वीडियो के साथ में, न्यू किचन के साथ में मैं फिर से आई हूँ। एक बार आपको लोकेशन बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर आई हूँ। हम आए हैं लोपी शेतकरी ढाबा, बोर्ड दिखा देंगे। लोपी शेतकरी ढाबा में आए हैं हम लोग। लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, उम्बर गोठन में आए हैं, विरार वेस्ट में। तो सारा कुछ एड्रेस जो है और मैप का डिटेल्स है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम अंदर चलते हैं। गाइस सबसे पहले तो लोकेशन देख लो, मतलब जो नाम है ना शेतकरी ढाबा, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो आपको इंस्टाग्राम पिक्स के लिए या वीडियोस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर अभी ये हट्स बना रहे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी सिटिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ की स्पेशलिटी एक्चुअली ये है कि वड़ा पाव तो मुंबई का फेमस है और सबने ही खाया है, ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन वड़ा पाव, जो मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, तो सबने ही वड़ा पाव खाया होगा। लेकिन यहाँ का स्पेशलिटी है कि ये तंदूरी वड़ा पाव बनाते हैं, तंदूरी मिसल है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो फाइनली हमारे डिशेस आ गए हैं। ये है हमारा तंदूरी वड़ा पाव एंड दिस वन इज तंदूरी मिसल पाव। तो आई एम टू एक्साइटेड। मैं आपको बता देती हूँ पहले प्लेट में क्या क्या आया है हमारे। तो अब इनका पहले डेकोरेशन देखो यार, इतना अच्छे से डेकोर किया है इन्होंने। ये पुदीना है, ये कांदा है, और फिर यहाँ पर लेमन है। यहाँ पर इन्होंने सूखा चटनी दिया हुआ है। मैंने दो वड़ा पाव ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके दिया है एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमारा वड़ा पाव है, नीचे चारकोल इन्होंने रखा हुआ है। As you can see, यहाँ पर चारकोल है नीचे ये पॉट के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने फ्राई किए हुए नली रखी हुई है। ओके, दिस वन इज तंदूरी मिसल पाव। इसके अंदर एज यू कैन सी गर्मा गर्म मिसल है, उसके ऊपर इन्होंने सेव डाली हुई है, और कांदा दिया हुआ है, लेमन है, और दो पाव है। मुझे इनका डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अभी टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। ओके, हमारा थर्ड प्लेट भी आ चुका है, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ये हमने खीमा पाव ऑर्डर किया था, तो ये चिकन खीमा है और पाव है, इसके साथ में कांदा है, लेमन है, और डेकोरेशन एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा है। तो चलो जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। पहले मैं सबसे पहले तो वड़ा पाव ट्राई करना चाहूँगी। यार वड़ा पाव देखो कितना अच्छे से फ्राई किया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर काफी अच्छा चटनी लगाया है इन्होंने, और कैबेज भी है। आई थिंक तीखा और मीठा दोनों चटनी लगाया हुआ है, और वड़ा पाव देखो कितना अच्छे से फ्राई किया है। ट्राई करके देखते हैं कैसा। वेरी डिलीशियस, ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन टेस्ट है इसमें। मुझे लगा था कि यह तंदूरी है तो कुछ अलग से कुछ टेस्ट होगा, लेकिन प्योर टेस्ट रखा, मेंटेन करके रखा है इन्होंने टेस्ट। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और इनका जो वड़ा है काफ़ी गर्मा गर्म है, काफ़ी मस्त लग रहा। पाव जो है वो भी इन्होंने आई थिंक थोड़ा सा सेका हुआ, अच्छा लग रहा। बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। ये कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। डेकोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इनका, टेस्ट ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन टेस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। दूसरा हम ट्राई करेंगे मिसल। मिसल में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कांदा मिक्स करूँगी, काफ़ी गर्मा गर्म है। Thank you.
क्वांटिटी काफी ज्यादा है। स्टीम निकल रही है, अभी भी काफी गर्म है। इसमें चारकोल का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा ना, बहुत टेस्टी लग रहा। और चारकोल का एक अलग ही फ्लेवर आ रहा, स्मोकी फ्लेवर आ रहा, बहुत मस्त लग रहा। वन मोर बाइट। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। एक्स्ट्रा पाव का देखो, मैंने कितना अच्छा डेकोर करके रखा हुआ है। अंदर रहा चारकोल है, उसका स्मोक इतना अच्छा लग रहा है, और गरम पाव है। ओके, तो वड़ा पाव तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, काफी ज्यादा टेस्टी है। और मिसल पाव भी हमने टेस्ट कर लिया, काफी ज्यादा टेस्टी है और ऑथेंटिक फ्लेवर है। अब बारी है खीमा पाव की। गर्मा गर्म खीमा पाव किसे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो पहले तो नींबू जाएगा इस पे। ओके, और ये पाव के साथ में हमारा फर्स्ट बाइट जाएगा। काफी फ्लेवरफुल लग रहा है, काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वाओ, आई कैन टेल यू गाइस, इतना ज्यादा टेस्टी है, इतना ज्यादा फ्लेवरफुल है, बिल्कुल भी एकदम ओवर स्पाइसी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मसाले ऑयल काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे से डले हुए हैं, काफी ज्यादा टेस्टी है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। एज यू कैन सी इसकी तरी देखो यार, देख के इतना मन ललचा रहा, और टेस्ट तो माशाल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है टेस्ट। वन मोर बाइट। सुपर, ओह माय गॉड, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा। आई एम रियली इन लव विद दिस। फटाफट फिनिश करती हूँ, फिर आपको मैं समझती हूँ। ओके, तो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको डिफरेंट टाइप की मिसल या वड़ा पाव खाना होगा तो जरूर यहाँ पर आइए। लोकेशन में फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, लोपिस शेतकरी ढाबा। लोकेशन है उंबरगोटन विरार वेस्ट में। जो भी आपका लोकेशन रहेगा वो मैप का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और अगर आप फसे विरार में रहते हैं या बॉम्बे में, बॉम्बे साइड में भी रहते हैं, और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर आइए और एक बार विजिट कीजिए। ऑथेंटिक फ्लेवर में आपको तंदूरी वड़ा पाव, तंदूरी मिसल और काफी सारी बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में, ऑथेंटिक फ्लेवर्स में ट्राई करने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जरूर आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।